नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। आज हमारे साथ भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल हैं और इनसे खास बातचीत करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि अब भारत के लोग मानसरोवर की यात्रा पूरे एक साल के बाद बाय रोड कर सकेंगे, भारत के ही उत्तराखंड के खटीमा से जो है रोड सीधी मानसरोवर जाएगी और जो परेशानियां भारत के लोगों को आती थी कि चाइना से परमिशन लेनी है, वीजा लगाना है, काफी पैसा खर्च करना है, उन सभी चीजों को खत्म करते हुए आश्वासन दिया है कि एक साल के बाद हमारे देश के लोग मानसरोवर दर्शन जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। जिस चीज को लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष हमारे साथ हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कितने सालों की ये मेहनत है और कब से जो है ये सहयोग मंच जुड़ा हुआ है इस पूरे मसले से, कि क्योंकि काफी लंबे समय से जो है मांग उठ रही थी कि जो मानसरोवर उसको मुक्त कराया जाए और भारत के जो लोग हैं वो बिना किसी रोक टोक के अपने ईश्वर के, अपने भगवान के जो है दर्शन कर सके, जिसके चलते लगातार जो है प्रयास भारत तिब्बत सहयोग मंच कर रहा था। और ऐसे में जब अब केंद्रीय मंत्री का बयान आया है तो उसके बाद इन लोगों में खुशी की लहर है। इनसे हम खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके का यह मुद्दा रहा था और किन किन लोगों ने इस सपने को जो है देखा था और अब सपना जब साकार होने की तरफ बढ़ चला है तो कैसी खुशी इनमें है। अमित जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमित जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है कल, वो क्या है और उस बयान का आप पर क्या असर है? देखिए, बहुत बड़ा एक ये कदम आदरणीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा उठाया गया है और मैं तो ये कहूंगा ये आदरणीय गडकरी जी के अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन और सोच, आदरणीय गृह मंत्री जी का सोच और हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं आदरणीय पूजनीय इंद्रेश जी की एक जो विजन और एक सोच है उसको आज हम धरातल पर इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी का समय भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं के लिए, सभी साथियों के लिए और इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के उन महादेवों के देव कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो सुकून, जो हमारी जो इच्छा और जो हमें एक शक्ति उनसे मिलने वाली है उसका आभास होकर हमें हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो भोले बाबा के इतने अनन्य भक्त हैं कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी कड़ी में इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को इतना भव्य बनाकर एक हमारे हिंदू पूरे समाज को, पूरे भारत देश को एक उन्होंने गौरव महसूस कराया और अब जो हमारा कैलाश मानसरोवर का जो स्थान था जो कि चाइना के थ्रू हमें जाना पड़ता था, बिना पासपोर्ट वीजा के हम चाइना के थ्रू नहीं जा सकते थे, उनके अत्याचार, उनके द्वारा किए गए अकृत्यों की वजह से बहुत ही लिमिटेड लोगों को वहाँ जाने दिया जाता था और कोई सुविधाएं वहाँ नहीं थी, बहुत ही बंदिशें थी। आज ये जो मौका आया है, आदरणीय गडकरी जी ने जो घोषणा की है कि अगले एक साल तक जो रोड का निर्माण हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये घोषणा कल हुई है लेकिन ये माने प्रधानमंत्री जी की दूर की सोच और पिछले कई सालों से जो किया जा रहा कार्य है, क्योंकि धरातल पे किसी चीज को उतारना बहुत बड़ा एक कदम होता है। धरातल पे चीज जब उतरती है, घोषणा होती है, उससे पहले कई वर्षों की मेहनत आज सफल होने जा रही है। हम आदरणीय वो हिंदू सम्राट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने एक ऐसे संस्कारों में आज भारत को ले जाने का काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गडकरी जी को, आदरणीय क्योंकि गृह मंत्री जी हैं उनकी भी बिना परमिशन के, आदरणीय हमारे पूजनीय इंद्रेश जी को और सभी उस हिंदू लोगों को जो इस के प्रति बहुत ही ललायित थे, वो सपना आज कल की घोषणा के बाद उम्मीद है बहुत ही जल्दी साकार होने जा रहा है। सभी को लिए बहुत बहुत बधाई और हम बहुत जल्दी बाय रोड कैलाश मानसरोवर के दर्शन करेंगे, ऐसी उम्मीद हमें लगती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस देश के अंदर, इस देश को आगे बढ़ाने में बहुत से नेताओं ने काम किए। कोई तो सेना को मजबूत करके देश की मजबूती दिखाता है, कोई अर्थव्यवस्था को, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी सड़कों के माध्यम से उन मसलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो जहां सेना की जरूरत है, ना ही अर्थव्यवस्था की जरूरत है, ना ही लोगों की जरूरत है,
वो परिवहन के ही नाम पर ऐसी सड़कों का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो मसले भी हल हो सके जिन मसलों को लेकर के ना जाने कितनी तो मीटिंगें और कितनी बैठकें इस देश के अंदर और अन्य देशों में हो चुकी है। उनमें से एक मुद्दा था कैलाश मानसरोवर का, जिसको कि सिर्फ एक सड़क के नाम पर जो है एक बार फिर हल करने की कोशिश जो है की जा रही है, यानी कि अपने ही देश से एक ऐसी सड़क का निर्माण कर दिया जाए जहां पर हस्तक्षेप जो है पड़ोसी देश का ना रहे। अमित जी, मेरे एक सवाल आपसे ये भी है कि कितने सालों से जो आपका ये भारत तिब्बत सहयोग मंच है इस दिशा में काम कर रहा था कि किसी तरीके से भी चाहे बाय हुक बाय क्रूक जो है कैलाश मानसरोवर को आजाद कराया जा सके और हमारे जो देश के लोग हैं वो वहां यात्रा के लिए दर्शन के लिए जा सके। करना उसका एक ही चाइना का काम है। धीरे धीरे आपको पता भी होगा उसने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उम्मीद है कि हम तिब्बत पर भी अपना कब्जा वापस लेंगे, क्योंकि चाइना हमेशा डराने का धमकाने का उसका हमेशा यही रोल रहा है। आप देखेंगे आदरणीय पूजनीय दलाई लामा जी को भी उन्होंने निर्वासित जीवन व्यतीत करने को मजबूर किया हुआ है, और बहुत से तिब्बती हमारे साथी हमारे लोग आज तिब्बत छोड़कर यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जो तिब्बत पर उसने कब्जा किया हुआ है वहाँ बहुत ही ज़्यादा लोगों पर क्रूर अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा है, और विशेषाधिकार हनन का एक उन्होंने कार्य किया हुआ है। लोगों को जो उनकी जो जरूरत है उनको भी वो पूरा करने का प्रयास नहीं कर रहा है। मैं एक और इसमें कहूँगा, माननीय इंद्रेश जी और पूरा इसमें देश की भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पदाधिकारी और अलग अलग प्रांतों के कार्यकर्ता इसमें पिछले काफी दिनों से जी जान से लगे हुए थे, और इसका पिछले कई सालों से ये सर्वे चल रहा था कि भाई हम इसको रोड को कैसे भारत से कनेक्टिविटी करें और लोगों को उस देवों के देव महादेव के दर्शन हम सुगमता से करा पाएं। तो मुझे लगता है कि वो 20-25 साल का सपना कल आदरणीय गडकरी जी की घोषणा के बाद आने वाले एक साल में या और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय भी लेती हैं, कोविड का भी है कई बार धरातल पे चीजें उतरने में, तो वो सपना बहुत जल्दी साकार होने जा रहा है। मैं एक और विनती करूंगा, हमें चाइना को कहीं ना कहीं उसका बहिष्कार भी करना होगा, उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी तोड़ना होगा, क्योंकि चाइना जितना मजबूत होगा वो भारत के लिए हमेशा आंख दिखाने का काम करेगा। कहीं ना कहीं हमें उनके द्वारा निर्मित चीजों का बहिष्कार करना होगा, भारत से निर्मित चीजों को हमेशा आगे बढ़ाना होगा, और बहुत ही जल्द हम सबको मिलकर जो ये खुशी का माहौल है उसके लिए हम सबको मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय इंद्रेश जी का और सभी बड़े नेताओं का जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। और मैं एक और बात बताऊं, हम आने वाले समय में, अभी हमारा वैसे कल का एक कार्यक्रम था, हम पूरे गुरुग्राम में और पूरे प्रांत में, क्योंकि मेरे पास प्रांत का एक दायित्व है भारत तिब्बत सहयोग मंच का, हम शिव कथा के रूप में घर घर में जन जन में जागृति पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है हम धीरे धीरे इसको महीने में 2 कार्यक्रम से 4 कार्यक्रम से इसको करेंगे, और फिर धीरे धीरे घर घर में शिव कथा और शिव चालीसा शिव पुराण जो भी जैसा भी हमारा होगा हम इसको घर घर में पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार दूर होता है, तो इसी तरह शिव भगवान की शक्ति से जो हमारी नेगेटिविटी है, जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है उसको हम दूर करने का कार्य करेंगे, और जो इस देश पे को पर टेढ़ी निगाह के निगाह लगा के, चाहे वो अरुणाचल की तरफ है चाहे वो तिब्बत की तरफ है, जो दूसरे देश बैठे हैं हम उनको मजा चखाने का कार्य करेंगे। मैं एक आपसे और विनती करूंगा, कोई भी लोग हमारी इस मुहिम से भारत तिब्बत सहयोग मंच से जुड़ना चाहें तो मेरे पास ये दायित्व है प्रांत का, मैं आप मेरे से अमित गोयल से कभी भी, फोन नंबर है मेरा 9810401097, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये महादेव का जो कार्य है इसमें पूरा जनजागरण जागृति पैदा करके हमें पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होकर इसको लड़ाई लड़नी है, और बहुत नजदीक हम विजय प्राप्ति की ओर है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित गोयल जो कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष हैं, और ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि सड़क के रास्ते मानसरोवर की यात्रा को भारत के लोग पूरी कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ कदम जरूर है, मगर इन घोषणाओं में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वाकई वो सड़क तैयार कर दी जाएगी जो कि भारत के लोगों को मानसरोवर के दर्शन करा सकेगी, या फिर ये सिर्फ एक जुमले की तरह ही रह जाएगा। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, चारों धाम हमारे इतनी जबरदस्त कनेक्टिविटी होने जा रही है,
हम प्रधानमंत्री जी की मनसा पे शक नहीं कर सकते, उनका इस देश के प्रति समर्पण भावना, उनका इस हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने का एक कदम, उनको इसको भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ एक कदम, और कहीं ना कहीं उनकी उस सोच को दर्शाता है। हम तो ये भी कहते थे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर कब तक तैयार होगा, आज 1,000 करोड़ रुपए लगकर आज काशी विश्वनाथ को उन्होंने स्वर्ग बनाने का काम किया है। हमारे लिए कोई ऐसी ऐसी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, अगर हम उस राजनीतिक तौर पे जाएंगे तो चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो 35 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, और बहुत से ऐसे मुद्दे, हम उन पे राजनीतिक तौर पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। किसी प्रकार की हम कोई उनकी मनसा पे शक नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ने जा रहा है, विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है, और भारत वर्ष का प्रत्येक हिंदू आने वाले एक साल में या थोड़े बहुत और ऊपर नीचे समय में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाला है, बिना पासपोर्ट वीजा के जाने वाला है और उस महादेव के दर्शन करने वाला है। ये मैं आपको वचन दे रहा हूं और उस प्रभु की कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गडकरी जी और माननीय नरेश जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं उस सड़क पर जरूर टिकी है जहां से गाड़ियां दौड़ेंगी और सीधा अपने लोगों को मानसरोवर के दर्शन कराएगी। तो अब देखना होगा कि वो समय कब आता है और कब वो दिन आता है जब एक कार में सवार होकर एक परिवार मानसरोवर के दर्शन कर सकेगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।